अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और नरान से जी हम लोग निकल रहे हैं। ये है क्वीन होटल नरान। भाई वार्म अप हो गई हैं और मौसम थोड़ा ख़राब हो रहा है, और आपकी वाटर क्रॉसिंग है जिसका हमें डर है। नरान से निकलती जाएगी, वो बड़ी मुश्किल वाटर क्रॉसिंग है। एक ही है बस, अल्लाह ना करे इतनी मुश्किल हो। ये जूतों के कवर हमने पहन लिए हैं, ये देखें। बस अब अल्लाह का नाम लेके ना हम लोग निकल रहे थे आगे। ठीक है, आज देखते हैं कहाँ तक हम लोग जाएंगे, कंफर्म नहीं है बट देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। ये शू कवर पहन के मैं सोच रहा हूँ बाइक चलाई जाएगी, चलाई तो जानी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 11 बज गए जी पूरे। अल्लाह पाक आज का सफ़र खैर से हो जाए हमारा, और बग़ैर किसी प्रॉब्लम के हो जाए। बस मैं दुआ कर रहा हूँ कि वाटर क्रॉसिंग के इर्द गिर्द रश ना हो गाड़ियों का, क्योंकि वो सिंगल गाड़ी क्रॉस करती है। अल्लाह खैर करे, कर जाएंगे जी आराम से क्रॉस। ये हैं जी नरान के नज़ारे, दियार के दरख्त हैं सारे यहाँ पे। ये दियार जो है ना, ये आपको जीपी में नज़र नहीं आएगा गिलगित के एरिया में। ये सवात में मरी गलियात नरान, ये इन एरियाज में, बट ये आगे जीपी में नहीं है, क्योंकि जीपी का आपको वैसे भी आपको पता है कि वो ड्राई सा एरिया सारा। अगर आप वहाँ पहाड़ देखेंगे तो बिल्कुल ड्राई हैं, यहाँ तक कि हुंजा के इस गिर्द अगर आप पहाड़ देखें तो वो भी बिल्कुल ड्राई है। बस जहाँ जहाँ पर आबादी होती है वहाँ पर ग्रीनरी होती है कुछ, बाकी सब ड्राई पहाड़ है वहाँ पे। वाटर क्रॉसिंग जो है ना जी, इधर ही कहीं पे, यहाँ से नरान का व्यू वो सामने देखें। इधर से तो यार बड़ा अजीब सा लगता है मुझे, बिल्कुल भी प्यारा नहीं लगता। बट वो जिन लोगों को बाज़ार वगैरह में रहने का शौक है वो ठीक है उन लोगों के लिए। हम लोग कल बाईपास पे चक्कर मारा हम लोगों ने, बट वहाँ पे सारे होटल्स बंद थे, तो इधर रहना हमारी मजबूरी थी। क्या कहते हैं नरान बाज़ार के अंदर, क्योंकि सारे सिर्फ बाज़ार में ही रेस्टोरेंट्स खुले हुए थे, बाकी हर जगह बंद थे। वाटर क्रॉसिंग जो है ना इधर ही है मेरे ख्याल से, नहीं थोड़ा सा आगे जाके। वाटर क्रॉसिंग आ गई है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगे से कोई गाड़ी नहीं आ रही, अल्लाह का नाम लेके हम लोग क्रॉस कर जाएंगे। पानी कम है यार, पानी इतना ज़्यादा नहीं है। बस मैं इधर पहले ही गिरने लगा था। करें जी बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा मज़े की बात है कि वाटर क्रॉसिंग में पत्थर ही पत्थर हैं यार, कमाल के पत्थर हैं। लेकिन मज़ा आया है, और शू कवर जो है ना उन्होंने फ़ायदा दे दिया। देखें छींटे पड़ी हुई इन पर, जूतों का बेड़ा गर्क हो जाना था। ये अल्लाह तेरा शुक्र है खैर से हमने क्रॉस कर लिया। अब आगे जी एक और वाटर क्रॉसिंग आती है, बट वो बहुत छोटी है। मौसम चेक करें जी आगे। वाह 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 वाह, ओहो हो, रात को नरान में 10 डिग्री था जी लो, इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं थी, बट हमारा जो कमरा था ना वो बाहर से ज़्यादा ठंडा हमारा कमरा था। आप हिसाब लगा लें कि वो कमरे में पता नहीं क्या था, जब हम अंदर एंटर हुए तो हमने कहा ये बड़ा अच्छा महसूस हुआ हमें, ठंडा कमरा है, बट वो रात को वो और ज़्यादा ठंडा हो गया। जब हम 10-11 बजे बाहर से होके हैं चाय पी के, तो कमरे में आए तो कमरे का टेम्परेचर ज़्यादा लो था। एक और वाटर क्रॉसिंग जी चेक करें, बट ये बहुत इजी है। बस ये गाड़ी वाले आपको मरवाए थे क्योंकि ये स्पीड तोड़ देते हैं, अपनी आपके पैर लगने पड़ जाते हैं।
भाई पहले क्रॉस कर ले फिर मैं करूँगा। ये बाइक पे खड्डे में गई है। पर आपको मैंने एक चीज़ नोट किया, आपको वाटर क्रॉसिंग से डरना नहीं चाहिए, आपकी बाइक बड़ी स्मूथली गुजर जाती है इनमें से, कोई इशू नहीं होता। भाई रोड जो है ना यार, रोड को इतनी मज़ेदार नहीं है, रोड ख़राब है। ये कगान तक जो है ना, कगान तक रोड का मज़ा नहीं है। बादल आ रहे हैं जी और वह हम जा रहे हैं इस देख सकते हैं रोड कितनी मज़ेदार नहीं है। कंक्रीट है सारा, कंक्रीट डाला हुआ है इन्होंने, बट स्मूथ नहीं है रोड। कि जी ये रोड बना रहे हैं ऊपर से, नीचे डैम का काम हो रहा है, काम जारी है, काम हो रहा है, और ये ऊपर वो टनल भी नज़र आ रही है आपको, तो ये रोड वहीं से आएगी और टनल के थ्रू हम निकल जाएंगे, नई रोड बन जाएगी सारी। बट फिलहाल ये हिसाब है यहाँ पे कि रोड ख़राब है। अभी हम लोगों का प्रोग्राम बन रहा है, कहीं बैठ के चाय पी लें। ये जी डैम, ये तो चेक करें, ये डैम बन रहा है। खड़े होके तो पता भी नहीं चलता खड्डों का। जगह वैसे खड़े होकर जाने वाली है। अरे टायर्स की ना मड में बिल्कुल ग्रिप नहीं है, पीछे एक जगह बाइक मैं चलते चलते जा रहा था, बस पीछे से टायर स्लिप हो गया इसका, तो मड में तो कहते हैं ना कि ग्रिप टायर्स की है ही नहीं। लोग आ रहे हैं, वीकेंड है, बाइकर्स भी जा रहे हैं जी। ओए 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 यार, रोड की क्या सिचुएशन हुई पड़ी है, रोड है ही नहीं, है ही नहीं रोड। खड़ा होके जाऊंगा मैं तो, कगान तक जो है ना जी रोड कोई इतनी अच्छी नहीं है, ख़राब है पैचेस में, ये तो बहुत ख़राब है, आगे जाके फिर पैचेस में ख़राब है। मुश्किल है यार, बहुत मुश्किल है ये रोड। अभी तक जी कच्चा ट्रैक चल रहा है और मड चल रही है, बारिश का माहौल बन रहा है जी। अगर तो अल्लाह ना करे बारिश हो, अगर तो बारिश होगी शुरू
तो फिर मुझे GoPro बाइक रोक के ना मुझे GoPro उतारना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं नहीं होगी, बट अल्लाह के काम है, देखते हैं। फिलहाल तो कहीं बैठे हैं यार, कुछ आए भी हैं। नाश्ता भी हमने नहीं किया और हम लोग निकल आए यार। सुबह एक चाय का कप लेके आए थे आगे से जाके। ये वाटर क्रॉसिंग जाना है वो टायर धोतेगी। अच्छा हाँ, पैर भी धो रहे हो। चलो पैर भी धो लेते। इधर नहीं बैठना, इधर के निकले, इधर ही साइड पे खड़ी कर लेंगे। यहाँ आगे चलते हैं आगे। हाँ चल, कोई अच्छा स्पॉट देख चाय वाला। ठीक, चाय पीने के लिए रुके हैं जी यहाँ पे। मौसम मज़ेदार है, बाइक्स वहाँ खड़ी हैं और हम लोग चाय पियेंगे, 10 मिनट रुकेंगे फिर निकलेंगे यहाँ से। चाय हम लोगों ने पी ली गाइस और बस सफ़र शुरू करने लगे वापसी का। टाइम हो गया जी 12:15 और पता नहीं कहाँ पे रात को स्टे करेंगे, क्योंकि हमारा प्लान है क्या, कोई जगह ऐसी हो जहाँ ठंडी जगह हो बस, तो हो सकता है हम बालाकोट में रुक जाएं, देखते हैं। कगान बाज़ार में आ गए जी हम लोग और कगान ही आई थिंक सो। ये कगान बाज़ार है जी और 12:30 का टाइम है, तो हमें 1.5 घंटा लग गया। वैसे तो आधे घंटे का रास्ता है, 1.5 घंटे का। कि हमें क्यों लगा, क्योंकि हम आते हैं स्लो, जैसे आपको पता है, रुकते रुकते। टूरिस्ट जा रहे हैं जी, काफ़ी नज़र आए हैं। वापस जाने वाले कम हैं, बट नारायण जाने वाले ज़्यादा हैं। उसकी वजह है कि आज सैटरडे है, तो आज तो लोग ज़्यादा जाएंगे, वीकेंड है। कल जो है ना वापसी का बहुत रश होगा। अब हमने डिसाइड ये करना है कि हमने बालाकोट रहना है कि आगे निकलना है, ये डिसीजन अब हमने मेक करनी है। से निकले हैं जी, तो बारिश शुरू हो गई है और अभी तो इतनी तेज़ नहीं है, बट अगर ये तेज़ हो गई तो फिर मुझे GoPro बंद करना पड़ेगा। देखते हैं, बादल तो हैं आगे, अल्लाह ना करे बंद करना पड़े, क्योंकि सारी वीडियो मैंने बनानी है आज की। आजकल वैली बहुत ग्रीन हुई हुई है जी, क्योंकि इस साल जितनी बारिशें हुई हैं देख सकते हैं, हर जगह ग्रीनरी है। दरख्त के अलावा भी अगर आप देखें तो हर जगह कारपेट हुआ हुआ, सारा घास हर जगह उगा हुआ। बैठ रहे हैं, लोकेशन अच्छी है, बहुत अच्छा है। हाँ आ जा, बारिश शुरू हो गई थी जी और
तेज़ हुई है बारिश, क्या कहते हैं, हम यहाँ पे ऑलमोस्ट पौना घंटा घंटा बैठे हैं। बड़ा अच्छा स्पॉट था, बस हम यहाँ रुके हैं तो बारिश शुरू होगी। हम रुके थे वैसे ही व्यू अच्छा था, तो बारिश शुरू होगी फिर हम यहाँ बैठे रहे। ये बाइक देखें सारी गीली हुई है और अब बारिश रुकी है जी, पीछे से मौसम क्लियर है और हम लोग बिस्मिल्लाह करके निकलने लगे हैं। ग्लव्स मैंने दूसरे पहन लिए हैं, वाटर प्रूफ वाले, क्योंकि विंटर वाले हैं तो बाइक फुल गीली हुई हुई है। विंटर वाले ग्लव्स हैं, इसमें यह कि ठंड भी इतनी नहीं फील लगेगी। बट इस ग्लव्स क्योंकि मोटे हैं ना, इनमें वी लॉगिंग जो है ना वो बड़ी मुश्किल है, बटन ही नहीं दबता आपसे। पीछे जी धूप निकल रही है, कमाल के नज़ारे हैं। फ्यूल मैं बालाकोट से डलवाऊंगा क्योंकि दो पॉइंट्स हैं अभी। आर्केडियन होटल है जी, बड़ा फेमस है यहाँ का, कगान से पहले ही है ये। अच्छा स्पॉट इन्होंने चूज़ किया भाई, अपना इन्होंने ब्रिज भी डाला हुआ। बट ये पता नहीं कौन लोग यहाँ रहते होंगे, मेरी समझ से बाहर है। सीज़न में चलता होगा ये, यहाँ तो आपको बहुत ही कोई ज़बरदस्त कमरा चाहिए हो, फाइव स्टार। कई लोग होते हैं वो कहते हैं फाइव स्टार कमरे ही चाहिए, तो उनके लिए सही है वो यहाँ रह जाए। और हम लोग आते हैं तो हम लोग 1000 रुपये में कमरे में भी रह जाते हैं, तो इन्हीं चीज़ों पे आपके पैसे बचते हैं। आपने क्योंकि रात ही गुजारनी होती है, बस डिसेंट होना चाहिए होटल, बस बाकी आपने सोना है और निकल जाना है बस अगले दिन। हाँ आपने 2-3 दिन रहना है फिर ठीक है, थोड़ा सा अच्छा ले लें। यहाँ फैमिली के साथ हैं तो फैमिली के साथ थोड़ा सा ट्रिप आपका डिफरेंट होता है, थोड़ा सा आपको देखना पड़ता है, थोड़ा सा बेहतर होटल लेना पड़ता है आपको। हो सकता है आज हम लोग बालाकोट ही रुक जाएं, अभी अराउंड 60 किलोमीटर है यहाँ से और 1:30 बजे हम आगे भी जा सकते हैं, बट वो हम अपने आप को थकाना नहीं चाह रहे, हम आराम आराम से जाएंगे, जल्दी का करना जाके हमें। बालाकोट में मौसम भी अच्छा होगा, वैसे हम सोच रहे थे कि मुजफ़्फ़राबाद में रात रह लें, लेकिन मुजफ़्फ़राबाद से बेहतर है कि हम लोग बालाकोट में ही रात रह लें। मुजफ़्फ़राबाद से बालाकोट 1.5 घंटे का रास्ता है बस, तो बंदा फिर बालाकोट में रात रह रहा था, तो ज़्यादा चांस है कि हम लोग बालाकोट में रात रहेंगे। और कल संडे है, कल हम लोग निकलेंगे बालाकोट से 10-11 बजे आराम से निकलेंगे और सीधा जाएंगे जी मरी साइड में, 1-2 दिन मरी में रहेंगे, देखेंगे गलियात शायद चले जाएँ, नथी गली चले जाएँ, यहाँ फिर मरी वगैरह में जाकर रहेंगे रात और फिर आगे निकलेंगे लाहौर के लिए। पता नहीं कौन सा ये टाउन आया छोटा सा, धूप निकलेगी जी ज़बरदस्त किस्म की, मौसम मज़ेदार है। यह पत्थर देख रहे हैं ना, ये सारा सैलाब से आता है, जितना पत्थर आया हुआ है ना ये सारे सैलाब से आते हैं। नरान वालों की आज सुनी जाएगी ये होटल्स वगैरह वालों की, क्योंकि जितना नरान में रश होना है ना, इतनी गाड़ियों ने हमें क्रॉस किया है ना आज, सैटरडे नाइट है तो वैसे भी ये 2-3 हफ्ते ही हैं मुझे लगता है नरान के, उसके बाद लोग कहाँ जाएंगे, तो ये फाइनल डेज हैं अभी। वो कुछ बाइकर्स मिले तो पूछे थे यार बाबू सर टॉप खुला हुआ है, आप उधर से आ रहे हैं, मैं कह यार हम तो कल वहाँ से आए थे, कल तो खुला हुआ था बट आज क्योंकि बारिश हुई है, हो सकता है कि बंद हो या खुला हो, ये हमें हम नहीं कुछ कह सकते आपको। ओए होए होए, बट नरान में आज जो है ना बहुत रश होना, कल इतना रश था तो मैं सोच रहा हूँ कि आज क्या वहाँ हाल होगा। रोड बहुत ख़राब है यार, रोड बहुत ख़राब है,
ककान से आगे भी रोड ख़राब है, मज़े की बात है। चेक करें जी ग्रीनरी, पूरा पहाड़ ग्रीन हुआ है, बिल्कुल कोई जगह नहीं इसके अंदर। जहाँ पे हैं वहाँ पे घास उगा हुआ है। ट्रक लग गया आगे और वो भी दबाई जा रहा है। ये स्पॉट है जी बड़ा अच्छा, इधर रुक के चाय पी हमने, 10-15 मिनट हमने रुके हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें जल्दी कोई नहीं है, हम आराम आराम से जा रहे हैं। स्टॉप हमारा बालाकोट ही है। इसलिए हमें कोई जल्दी नहीं है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। रोड कुछ बेहतर हुई है यहाँ पे, बट पीछे तो रोड का यार इतना बुरा हाल है ना। मेरे ख्याल से रोड को वापस करेंगे कारपेट, ये पर जब डैम हो जाएगा ना, बन जाएगा, उसके बाद शायद ये लोग करें उसको वापस, सही कर दें रोड को, बट फिलहाल तो रोड बहुत ख़राब है। इधर रोड ठीक है और हम उड़ते जा रहे हैं, स्पीड भी बन रही है। बालाकोट अराउंड 35 किलोमीटर्स रह गया और ये नज़ारे हैं जी यहाँ के। बारिश होने के बाद जब धूप निकलती है ना तो हर चीज़ साफ साफ लगती है, बिल्कुल फ्रेश हर चीज़ हुई है।